Morning, children. Good morning, all of you. Due to some technical problem, our class has been delayed by 5 minutes today. I'm just waiting for 2 to 3 minutes more so that everybody can join us. I hope everybody has joined. And you are not having any audio or visual problem. And you are having no audio or visual problem. I hope so. Check kariye jara, please. Apni connectivity wagera check kariye. Right? Everything is fine. I hope so. Right? Let's start. चलिए बेटा, कल अपन ने करा था पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हाउ द रिलेशनशिप ऑफ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? ये अपना टॉपिक कल हुआ था, है ना? आज कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की, राइट? आज हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं या उसी टॉपिक को आगे करते हैं. क्या हुआ? सॉरी. चले ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. लेट्स स्टार्ट. यस, सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट इट दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट? ऑल्सो वी हैव सीन दैट द सम ऑफ द जीरोस, इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैन बी डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा आर merely the Greek letters which are used to represent the zeros of the of a polynomial, and the sum of the zeros of a polynomial is minus b upon a, where b is the coefficient of x upon a, the coefficient of x square, and the product of the zeros is represented by alpha beta, alpha into beta, and that is c upon a, that means the constant term upon the coefficient of x square. This we have discussed it yesterday, right? थोड़ा सा आगे चलते हैं. चलो, अगर हम एक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जीरोस देख रहे हैं तो इक्वल्स टू जीरो पुट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास में जीरो आए उसके कोई किस वैल्यू पे वो जीरो हो जाता है, है ना? इस पॉलिनोमियल को या इस इक्वेशन को इनफैक्ट कहना चाहिए डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद ए. अगर हम ए से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा. चेक करिए जरा क्या किया अपन ने. डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय ए स्क्वायर, राइट? अब हमें मालूम है बी अपॉन ए तो माइनस सम होता है. चेक करिए जरा, तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स लिखना चाहिए. क्या सही है? ध्यान से देखें जरा. अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है तो अल्फा प्लस बीटा या बी अपॉन ए क्या होगा? बी अपॉन ए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी सम का ऑपोजिट साइन. प्लस सी अपॉन ए है और सी अपॉन ए तो अल्फा बीटा होता है. चेक करिए जरा, हम क्या कर रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा जो है वो तो हम पुट कर रहे हैं सम की जगह और अल्फा बीटा पुट कर रहे हैं प्रोडक्ट की जगह, है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में या बहुत इजी फॉर्म में ऐसे करिए. अगर अल्फा बीटा से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे लिख लीजिए. चलिए सम को लिख लेते हैं एस और प्रोडक्ट को लिख लेते हैं पी. सम को लिख लेते हैं एस और प्रोडक्ट को लिख लेते हैं पी. तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. और ये माइनस एस एक्स क्यों है ये आज क्लियर हो जाना चाहिए. वैसे कल भी हमने बात करी थी द सम ऑफ द जीरोस इज नॉट बी अपॉन ए, इट इज माइनस बी अपॉन ए, है ना? तो यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एस एक्स प्लस. व्हाट इज द सम? माइनस बी अपॉन ए. सो दिस इज बी अपॉन ए, इसे ये माइनस जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सही है बेटा, है ना? इस चीज को याद रखेंगे या
इसे याद रख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, राइट। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो तो एक्स का कोफिशियंट तो माइनस सम होता है, माइनस सम होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोडक्ट होती है जीरोस की। चलो बात करते हैं क्या कहा जा रहा है अपने से एक बार फिर से, है ना। तो इन जनरल एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हमें कहा जा रहा है इस फॉर्म में भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को लिखा जा सकता है, राइट। चले हमें ये कहा जा रहा है कि हमसे कोई पूछे, मान लीजिए अपने से कोई किसी ने पूछा इफ सिक्स एंड सेवन जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, चेक करिए इफ सिक्स एंड सेवन आर द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल देन फाइंड द पॉलीनोमियल। If 6 and 7 are the zeros of a polynomial, then find the polynomial. चलिए 9th क्लास की बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम। अगर x is equals to 6, यानी 6 इसका 0 है, 6 and 7 are the zeros. अगर 6 इसका 0 है तो x माइनस सिक्स इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस सिक्स इसका एक फैक्टर होगा, याद आ गया। ट्रायल मेथड में भी ऐसे करते थे ना, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2, तो कम आते थे, कोई फैक्टर मिले तो सही उसका। तो जब उसने बोला कि x इज इक्वल टू 6 इसका, यानी 6 इसका x 0 है, तो x माइनस सिक्स इसका एक फैक्टर हुआ। इसी तरह से x is equals to 7 भी है, क्योंकि 7 is also the zero of the polynomial, the factor of the polynomial should be x minus 7. So एक factor हुआ x minus 6 और दूसरा factor हुआ x minus 7, right? अब अगर x minus 6 और x minus 7 इसके factors हैं, तो इसको हम अगर आपस में multiply कर दें इन factors को, तो हमें polynomial मिल जाएगा। तो हम multiply करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 42। यहाँ आप आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आइडेंटिटी लगती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, याद है आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन, यू इट रिजल्ट इन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सबसे पहली आइडेंटिटी होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है जो अपन पढ़ते हैं, लेकिन शायद बहुत कम स्टूडेंट्स ही हैं जो इसको यूज करते हैं। तो मैंने भी इसको नहीं यूज किया और मैंने सीधा ब्रैकेट खोल दिया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सेवन सेवन एक्स सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स और माइनस माइनस प्लस होता है, तो सिक्स सेवन आर 42। So finally, what we are having is x square minus 13 x plus 42. कौन सी अप्रोच हुई? ये अप्रोच है फैक्टर थ्योरम की। This approach is of factor theorem. फैक्टर थ्योरम की अप्रोच से अगर अपने को पॉलीनोमियल निकालना तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। बहुत इजी चीज है, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर 6 इसका 0 है, 6 अगर किसी पॉलीनोमियल का 0 है तो x माइनस 6 उसका फैक्टर है। इसी तरह से अगर 7 उसका 0 है तो x माइनस 7 उसका एक फैक्टर है। मालूम है ना बच्चे, x इज इक्वल्स टू 7, पॉलीनोमियल एट 7 बिकम्स 0, सो दैट मींस x माइनस 7 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल, याद है लास्ट ईयर करा है ना। चले तो इसी तरह से हमने कहा कि एक x माइनस 6 हो गया और एक x माइनस 7 हो गया, दो फैक्टर्स हैं x माइनस 6 और x माइनस 7। तो इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉलीनोमियल मिल जाएगा, तो हमने उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 42 एक पॉलीनोमियल। इसको अपन 10th क्लास के जो अभी कंसेप्ट कर रहे हैं उससे समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्यों ना इनका सम और प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया जाए और इस पॉलीनोमियल के फॉर्म में लिखा जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख दिया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि
अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम, मैं एस यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा से फेमिलियर नहीं होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मान लीजिए एस हमारा सम है, या लिख लीजिए चलो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो 6 + 7 यानी कि 13 हो जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमने एक प्रोडक्ट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6, 7 आर 42। 6 और 7 का सम, 6 और 7 का प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हम कल से यही बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विद द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। चलिए सो अब आप देखें, पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, वेयर एस स्टैंड्स फॉर द सम एंड पी स्टैंड्स फॉर द प्रोडक्ट। तो हम वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x + 42 आ गया अपना पॉलिनोमियल। चेक करिए, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरो 6 भी है और 7 भी है। सिंपल, एक बहुत ही सिंपल चीज है ना। चले कोशिश करते हैं जरा एक और क्वेश्चन लेने की। मान लेते हैं अपने पास में दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर -3 and 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉलिनोमियल। चेक करिए जरा, आप दोनों तरीके से कर सकते होंगे, मैं नहीं मना कर रहा कि आप फैक्टर थ्योरम से नहीं कर सकते, लेकिन हम फैक्टर थ्योरम से क्यों करें जो हम पिछले साल ही सीख चुके हैं उसे। तो जो नया कंसेप्ट है अपने पास में सम और प्रोडक्ट का, उससे जरा करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में भी अपने को कोई नहीं बोलेगा वाला कि फैक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते, हम फैक्टर थ्योरम से लगा सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं वो भी अभी आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर बात करेंगे, है ना। तो आपने सम और प्रोडक्ट के कंसेप्ट से निकालना है पॉलिनोमियल क्या है। चले सम ऑफ जीरोस निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए और उनकी हेल्प से पॉलिनोमियल निकालिए। -3 और 2 का सम 3 + 2 = -1। देन The product is -3 × 2, that means -6। चेक करिए, सम -1 आना चाहिए क्योंकि -3 और +2 तो -1 होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट -3 × 2 -6 होना चाहिए। सही है बेटो, है ना। अब जरा पॉलिनोमियल याद करते हैं क्या थे। x square minus sx plus p, तो x square plus 1x plus क्यों हुआ, मैं क्या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको समझने में, क्योंकि हम कल से ये बात कर रहे हैं कि सम b अपॉन a नहीं होता, -b / a होता है। तो -1 जब हम पुट करेंगे तो वो +1 हो जाएगा और -6, तो पॉलिनोमियल है x² + x - 6। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमें से कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये नई चीज क्यों सिखाई जा रही है हमें, जब वो पुराना आता ही था, हमें फैक्टर थ्योरम पता ही थी, जब वो जीरोस बता रहा है तो फैक्टर्स निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा पॉलिनोमियल क्या है, क्या जरूरत है इन सब की, सम और प्रोडक्ट वगैरह निकालने की, है ना। तो उनके लिए एक एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। चलो, इफ 2 + √3 and 2 - √3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, फाइंड px। चलिए कोशिश करते हैं जरा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक पॉलिनोमियल हो और उसके जीरोस 2 + √3 और 2 - √3 हो, तो
वो पॉलिनोमियल कौन सी होगी. फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2+√3 एंड 2-√3. हाँ जी बेटा कोशिश करें जरा. अब फिर वापस से मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ फैक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं. x-2-√3 यानी एक जीरो ये हुआ, दूसरा जीरो देखें या सॉरी एक फैक्टर ये हुआ x-2-√3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x-2+√3 और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास में, या a प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए a²-b² आपके पास आ जाएगा, पॉलिनोमियल जरूर आ जाएगा. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये एक कैलकुलेशन बढ़ाने वाला स्टेप है, एक प्रोसेस है जिससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. तो अपन क्या करें, हम सम और प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लेते हैं और वही समझना है अपने को, है ना. चलिए उससे कैसे इजीली निकल जाएगा एक एग्जांपल से समझते हैं. सम ऑफ जीरोस निकालते हैं इस केस में, सम ऑफ जीरोस, ठीक है. एक है 2+√3, दूसरा जीरो है 2-√3 और इन दोनों का करना था अपने को सम, सम ऑफ द जीरोस निकालना था. 2+√3 और 2-√3 का सम करें करें तो अपने पास √3 और -√3 विल रिड्यूस टू जीरो और 2+2 तो 4 होता है. तो सम ऑफ द जीरोस है 4, तो सम ऑफ जीरोस है 4, राइट. अगर हमें इसका प्रोडक्ट निकालना हो, इनका प्रोडक्ट निकालना हो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं. 2+√3 को मल्टीप्लाई करना है 2-√3 से, 2+√3 को मल्टीप्लाई करना है 2-√3 से. a+b (a-b), राइट. ये हमें मालूम है a²-b² होता है, तो a² यानी 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, a²-b² 2² = 4 and √3 का स्क्वायर = 3 and 4-3 = 1. So the sum of the zeros is 4 and the product of the zeros is 1. ठीक है, पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आराम से. x²-sx+b अगर एक पॉलिनोमियल है, सिंस द पॉलिनोमियल इज x²-sx+b, s इज द सम एंड p इज द प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे x²-4x+1 इज द आंसर. x²-4x+1 is our answer. Again, I'm not saying that this cannot be taken out by using factor theorem. लेकिन बात ये हो रही है कि factor theorem में आप देखें तो सही, आपके पास factors कितने खतरनाक बनेंगे और उनको multiply करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, right? और अगर फिर भी कई students होंगे जिनको होगा कि नहीं सर वो उससे भी करके देखेंगे, जरूर करके देखेगा, यही आएगा. बेटर ये है कि हम नई नई चीजें सीखें, बेटर ये है कि हम देखें. 8th क्लास में हमने करा था डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवाइड करके बताते थे जी रिमाइंडर ये आएगा. 9th क्लास में उसको इजी कर दिया हमने, कहा रिमाइंडर थ्योरम लगा दे, पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा. और अब भी हम वैसे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा और इजी पैटर्न सीख रहे हैं कि क्यों फैक्टर थ्योरम लगाए, क्यों हम पता करें कि इसके क्या जीरोस हैं होंगे ये वो. जब जीरोस दिए हुए हैं तो सम और प्रोडक्ट से आराम से निकाल सकते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं. इफ 2√2+1 एंड √2-1 आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन फाइंड द पॉलिनोमियल. चेक करिए जरा, he says if √2+1 and √2-1 are the zeros of a polynomial, then find the polynomial.
कोशिश करेंगे बेटा कि सम और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को ही समझें, क्योंकि ये इजी भी है और नया भी है। जो चीज नई है वही तो सीखने के लिए बैठे हैं अपन 10th क्लास में, नई क्लास में, है ना। चलिए सम निकालिए, रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन का सम। उम्मीद करता हूं आप में से पहले कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स सम ऑफ द जीरोस रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन, दो जीरोस हैं, इनका सम करिए इन्हें प्लस। वन माइनस वन विल रिड्यूस टू जीरो एंड रूट टू प्लस रूट टू इज टू रूट टू, एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, सो रूट टू प्लस रूट टू इज टू रूट टू। मालूम है लास्ट ईयर बहुत रैशनलाइजेशन वगैरह के क्वेश्चंस करे हैं। फिर आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, चलिए रूट टू प्लस वन एक जीरो है और दूसरा जीरो है रूट टू माइनस वन, और इनका प्रोडक्ट निकाला, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ब्रैकेट खोले या आइडेंटिटी लगा दें हमारी मर्जी, वैसे आइडेंटिटी आराम से पहचान में आ रही है। ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, टू माइनस वन इज वन, रूट टू का स्क्वायर टू और वन का स्क्वायर वन, सो द प्रोडक्ट इज वन। नाउ द पॉलिनोमियल इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन लिखिए, खत्म। सम की जगह सम और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिखिए, आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज का ये है कि अगर अपने को जीरोस दिए हुए हो तो पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, उनका निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस, उसका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और याद रखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी उसका जनरल फॉर्मेट है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करें तो वो तो बहुत ही इजी मैनर में और इजी क्वेश्चन देता है। वो कहता है हाँ जी, चले क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का क्या है। एनसीईआरटी थोड़ा सा और इजी इसको चलती है, और इजी मैनर में चलती है। वो कहती है इफ 5 एंड माइनस 6 आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉलिनोमियल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। The question given in NCERT says that if 5 and minus 6 are the sum and the product of the zeros of a quadratic polynomial, respectively, find the polynomial. क्या मतलब हुआ? बहुत simple. Sum of the zeros 5 है, product of the zeros minus 6 है, polynomial बता दीजिए। कुछ करना है अपने को? कुछ भी नहीं। हमने पिछले क्वेश्चन में कम से कम सम भी खुद निकाला था, प्रोडक्ट भी खुद निकाला था। इस क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं कह रहा, वो कह रहा है सम और प्रोडक्ट तो मैं देता हूं आपको, सम है 5 और प्रोडक्ट है माइनस 6, पता है पॉलिनोमियल क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी क्योंकि पॉलिनोमियल होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 6 पॉलिनोमियल है। सिंपल है ना, क्या किया, सम की जगह सम और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट रखा, क्योंकि उसने सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिए,
causing us the sum and the product of the zeros of a polynomial, quadratic polynomial, are these two. Find the polynomial. 5 sum hai, minus 6 uska product hai. So, na to sum karna hai, na product karna hai. Sum aur product dono de diye hain. Bas format mein dikhna hai. To ye ra polynomial, khatam, answer aa gaya. Jasra Varma question, hai na? Chaliye, thoda sa fir se ek bar fir se revise karte hain. Kya tha? Apne ko kya kaha ja raha hai? Apne se kaha ja raha hai, if 6 and minus 6 are the sum and product of the zeros of a quadratic polynomial, find the quadratic polynomial. हम कह रहे हैं जी, आपने कहा ये है सम ऑफ जीरोस. क्या 6 माइनस 6 सम है? नहीं. क्या है? 6 है. 6 सम ही है, जीरोस नहीं है. इसे सम नहीं करना यहाँ पे, उल्टा कम काम मत कर लेना, ज्यादा होशियारी मत झाड़ लेना, ठीक है. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस 6. सही है, सम आपने दे दिया, प्रोडक्ट आपने दे दिया, और आप इतने आराम से हम पूछ रहे हैं कि पॉलीनोमियल क्या है. तो हम आराम से बता सकते हैं कि पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस sx प्लस b होता है. एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस sx प्लस b होता है. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि सम 6 है तो माइनस 6x हो जाएगा, और प्रोडक्ट माइनस 6 है इसलिए माइनस 6 हो जाएगा. ये लीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसके सम और प्रोडक्ट आपने दिए हुए थे. यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको कोई चीज सम या प्रोडक्ट में से जीरो दी हुई हो तो उसकी जगह जीरो ही लिखेंगे. जैसे इफ 5 एंड 0 आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉलीनोमियल. द सम इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज 0. द सम इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज 0, देन द पॉलीनोमियल इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस b, क्योंकि ये पॉलीनोमियल होती है इसलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस जीरो. तो इस जीरो को लिखे या ना लिखे, आपके पास पॉलीनोमियल ये है x स्क्वायर माइनस 5x, राइट. अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुए हो जीरोस का सम या प्रोडक्ट, जैसे इफ 4 एंड 1 अपॉन 4 आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, फाइंड द पॉलीनोमियल. If 4 and 1 upon 4 are the sum and the product of the zeros of a polynomial, find the polynomial. So, sum diya hua hai 4 aur product diya hua hai 1 upon 4. So, aapka answer x square minus 4x plus 1 upon 4 bhi ho sakta hai. Aur agar aap iska LCM leke dena chahe answer, to 4x square minus 16x plus 1 bhi ho sakta hai. वापस से आप दोनों फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं. x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 4 भी दे सकते हैं इसका आंसर, और 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1 भी दे सकते हैं इसका आंसर, यानी विदाउट एलसीएम एंड विद एलसीएम बोथ आर करेक्ट. एनसीईआरटी में सारे आंसर जो है इस क्वेश्चन के विद एलसीएम दिए हुए हैं, तो आप एलसीएम लेके चेक करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल वही होगा जो आपने दिया हुआ है, ठीक है. चले चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा सा टाइम भी कम मिला, एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं. चलो देखते हैं हमें से कितने लोग उसका सही आंसर देते हैं. इफ द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial are 6 are 6 and 10 respectively, find the quadratic polynomial or simply polynomial. चलिए just a 1 mark question or 2 mark question, जरा check करते हैं हमें से कितने लोग हैं जो इसका आंसर सही देते हैं. स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड रेजिंग देयर हैंड्स, आई सपोज दे वांट टू गिव द आंसर. समबडी इज ऑनलाइन. हेलो ध्रुव. यस ध्रुव. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ध्रुव. सर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10. सर अनम्यूट कीजिए. मुबारक हो, आपके क्लास में एक और ऐसा बच्चा मिल गया मुझे जो मेंटली प्रेजेंट नहीं है.
चलिए, मैंने ये क्वेश्चन ही इसलिए दिया था कि कितने लोग हैं जितने जो इसकी गलती पकड़ पाते हैं या नहीं। हाँ जी, ध्रुव का आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट एंड सम, द प्रोडक्ट इज 6 एंड द सम इज 10, खा गए धोखा। रिस्पेक्टिवली लगाया था उसने वर्ड, ये रिस्पेक्टिवली। सो अपना पॉलीनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। चेक करिए जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम क्या है, 6 है या 10 है? 10 है, तो माइनस 10x प्लस 6 इसका आंसर होना चाहिए था। हमें से जिसका भी आंसर सही है सेल्फ फीडबैकिंग कीजिए, क्योंकि सेल्फ एप्रिसिएशन से बेटर कुछ नहीं। एंड जिसका आंसर गलत है उसको याद रखना चाहिए वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। चलिए, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल डिस्कस इट मोर।